भाई महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए हमारे बीच में मातृशक्ति भी उपस्थित है, स्वागत है। घर में कदम पर जाए तो जन्नत मिलती है, अगर मेहमान कोई आए तो बरकत बरसती है। खुदा से सिर्फ बेटों के लिए उम्मीद मत करना, तो घर में बेटियां तो फिर वहां दौलत बरसती है। अभी तक वंचित है कथा करने से सामने वाली टीम। शिव शक्ति कलम ने अपनी शक्ति को अभी दिखाया नहीं है। बहुत ही बढ़िया, हल्के हाथों से सर्विस दी तीनों ने।
करीम ने बेहतरीन जगह पर, काश मेरे मुल्क में ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो फिक्र मुसलमान को भी हो, कमाल हो ना पाए मस्जिद की आबादी, ये फिक्र मंदिरों के लिए बांध को भी हो। फाव पहला फाव दिया जाएगा पक्का। सेवन नाइन सात नौ सात नौ का स्कोर। और भाई और भाई बास्केटबॉल के राष्ट्रीय खिलाड़ी पूर्व खिलाड़ी श्री लाखन जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, और आप और अमित मास्टर जी आपको लाखन सिंह के लिए एक बार दर्शकों से अनुरोध, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हैं, जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया भाई, तो यू भी होता कि अर्जुन तो भाई यूपी योद्धा के कोच अर्जुन सिंह जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। 11-8 11-8 11-8 जब एक खेल को दूसरे खेल वाले बढ़ावा देते हैं आगे तो चार चार लग जाते हैं। 9-11 भाई भाई लाखन भाई का स्वागत। अमित जी इससे मैं आग्रह करूंगा कि कमेंटर देना सवाल है। 10-11 का स्कोर, और ये दस ग्यारह अभी बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे इसमें। 12-10 ये दीवान दीवान द्वारा, और भाई इनके गांव में भाई दीवान का जो गांव है वो अमरोहा में है भाई, और गांव का नाम है पपसरा। ऑल इंडिया टूर्नामेंट हुआ था उनके बाद बड़ा जबरदस्त भीड़ ने भी समर्थन किया और लोगों ने पूरा मजा लिया जब तक फाइनल हुआ। 13-11 और ये एक अनाउंस हो रहा है, कस्टम इंस्पेक्टर अंशुल चौधरी, कस्टम इंस्पेक्टर अंशुल चौधरी, ये शिव शक्ति कलम अगर जीतता है तो 2100 रुपए का इनाम इनके लिए। स्कोर कितना हुआ आगे? 14-12 का स्कोर, 14-12 भाई हमारे बीच में कुछ ही देर में जितेंद्र यादव जी, हाँ MLC यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल पहुंचने वाले हैं। विधान परिषद सदस्य जितेंद्र यादव जी पहुंचने वाले हैं कुछ देर में। अपनी तरफ विश्वास कर लिया 16-12 चार पॉइंट मिले। तो भाई स्कोर करने के लिए अनुज भाई गए थे जितेंद्र यादव जी को टाइम आउट, जितेंद्र यादव जी सामने आते हुए शिव शक्ति की तरफ से
जितेंद्र यादव जी एमएलसी हमारे बीच में उपस्थित होते हुए आपका टूर्नामेंट के इस क्षेत्र में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत, और सभी आयोजन समिति के सदस्यों की तरफ से आपका डबल हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। ये जितेंद्र यादव जी एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। जितेंद्र यादव जी का ये हमारे आर के प्रमुख, इन्होंने पहले भी टूर्नामेंट में आए 2012 में भी, और इनका कमेटी हमारा स्वागत करती है। जितेंद्र बालिया जितेंद्र यादव जी बहुत ही बढ़िया भाई। चौधरी चरण सिंह को पोस्ट अर्जित करते हुए 2012 और 2021 में फर्क तो कुछ नहीं है, बस दो उठा करके इधर रखना है और एक इधर रखना है, वो भी 12 ही बन जाएगा। पॉइंट बनता हुआ जब 25 के करीब जाएंगे, जब देखना स्पीड दोनों की 110 किलोमीटर प्रति घंटा की हो जाएगी। बहुत बढ़िया, यहां पर 14-17 इस बार ब्लॉक को नाकाम कर दिया।
पहले जितना बढ़िया ब्लॉक था उतना ही दूसरे प्रयास था खराब। 20 और ये दर्शक थोड़ा पीछे हो जाए, दर्शकों से निवेदन ये थोड़ा पीछे हो जाए। भाई जो मेन रेफरी के पीछे खड़े हैं सारे पीछे हो जाए, पीछे हो जाए। एक पॉइंट पीछे शिव शक्ति कलम, बहुत सुंदर 22-20 फिर से दो पॉइंट के लिए आशीष चाचा अमन भतीजा। भतीजे की तरफ से अमन और ये बराबर, फिर से बराबर 22 बराबर चाचा भतीजे का मैच। इस बार तो करा लगवा दिया भाई, सूर्यांश को बिल्कुल भी सरकने नहीं दिया, बांध के रख दिया था। 23-22 लेकिन नहीं, इस बार तो उससे बचाने की कोशिश की तो बैक लाइन के बाहर और ये सेट पॉइंट भाई हमारे बीच में और एक टाइम आउट रणवीर सिंह शिव शक्ति की तरफ से टाइम आउट रणवीर सिंह धनगढ़ जी। अच्छा 24-22 है तो मैं कह रहा था कि ये रणवीर सिंह धनगढ़ जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, आप गाजियाबाद में एडवोकेट की सेवाएं दे रहे हैं और आपने 5100 रुपए की राशि इस प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए दी है। आपसे अनुरोध है कि आप स्टेज पर आकर स्थान ग्रहण करें। भाई जो मुख्य गेट के सामने खड़े हैं ना लोग, ये पीछे हट जाए, हट जाओ भाई यहां से, इसे खुला छोड़ दें। जो वॉलंटियर्स हैं इसमें मदद करेंगे हटाने। 23-24 बराबर हो गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा बहुत ही। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल साइलेंट सिचुएशन में लोग रहे हैं। पहला सेट चाचा ने भतीजा से जीता तो भाई आशीष भतीजा अमन।